हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू वन ऑफ़ योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश हब मैं हूं सर डोडिया और मैं आज आप सबके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉयस का पार्ट थ्री पिछले टू पार्ट्स ने हमने डिस्कस किया था एक्टिव एंड पैसिव वॉयस के कुछ बेसिक रूल्स और साथ ही साथ फाइव टेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है आज के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा रिमेनिंग थ्री टेंसेस की पैसी वॉइस कैसे बनाते हैं और मॉडल वर्ब्स की पैसे वॉइस कैसे बनती हैं और एक बात खास जो आज मैं आप सबके लिए स्पेशल लेके आया हुए हैं पैसी वॉइस के कुछ एडवांस रूल्स जो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा अगर आपने पिछले दो वीडियोस नहीं देखे हैं दो पार्ट्स तो आप उनको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि वॉइस का टॉपिक आपके लिए पूरा क्लियर हो जाए आइए शुरू करते हैं देखिए टेंसिस चार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके थे सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस पास्ट आज जो बचे हैं वो है परफेक्ट टेंसेस परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट एंड परफेक्ट फ्यूचर यहां पे आपको कुछ नहीं करना है जैसे एक्टिव वॉइस में हम लोग हैव, हैज, विल हैव लगाते थे इसी तरह यहाँ पे भी लगेगा लेकिन यहाँ पे जो एक वर्ड एक ऐड होगा वो होगा बीन ओके आइए हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले बात करते हैं टेंस नंबर सिक्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल चलिए देखते हैं इसका वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है तो एक्टिव वर्ड में हम लोग बनाते थे पहले सब्जेक्ट फिर हैव या तो हैज़ फिर वी थ्री फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स जैसे कहते हैं आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क मैंने अपना होमवर्क कम्प्लीट कर लिया है अब अगर इस सेंटेंस को मुझे पैसे वैस बनाना है तो ऐसे बनेगा देख लीजिए एज इट इज ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा और अगर बहुवचन प्लूरल है तो हैव लगेगा ऑब्जेक्ट तो के बाद हैव हैज फिर लगेगा बीन बीन फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय प्लस एस ओके ऑब्जेक्ट यहां है माई होमवर्क माई होमवर्क सिंगुलर है एक वचन है इसलिए लगेगा हैज फिर बीन माई होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी ओके स्ट्रक्चर का ध्यान रखिएगा खास ओके नाउ कमिंग टू द नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हम लोग हैव हैज के बाद नॉट लगा के बनाते थे आई हैवेंट कंप्लीटेड माई होमवर्क मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है ओके okay, पैसी वॉइस कैसे बनेगा तो सिंपल है हैव या तो हैज़ के बाद आप नॉट लगा देंगे और उसके बाद आएगा बीन माई होमवर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी माई होमवर्क हैजेंट बीन कंप्लीटेड बाय मी ओके नाउ कमिंग टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते थे तो हेल्पिंग वर्ब हैव हैज पहले आता था फिर सब्जेक्ट फिर वी थ्री फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स एंड देन क्वेश्चन मार्क हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क क्या आप क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हैव हैज एज इट इज पहले आएगा और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट चूंकि पैसीवाइज है तो ऑब्जेक्ट पहले आता है फिर लगेगा बीन फिर आएगा वी थ्री फिर बाय प्लस एस एंड क्वेश्चन मार्क अब यहाँ पे योर होमवर्क ये सिंगुलर है एक क्वेश्चन है आप स्ट्रक्चर्स खास देख लीजिए पैसे वॉइस के ओके okay. आइए और एग्जांपल्स देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल है शी बॉट अ न्यू कार खरीद ली है ओके okay. अब फॉर्मेट देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है तो पहले लगेगा ऑब्जेक्ट तो अ न्यू कार अब ये सिंगुलर एक वचन है तो लगेगा हैज अ न्यू कार हैज फिर बीन अ न्यू कार हैज बीन बॉट बाय हर अ न्यू कार हैज बीन बॉट बाय हर सॉरी यहाँ पे हर आएगा नेक्स्ट सेंटेंस दे हैव रिपेयर्ड द रोड दे हैव रिपेयर्ड द रोड अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उन्होंने रोड रिपेयर कर लिया है तो ऑब्जेक्ट है द रोड द रोड सिंगुलर इसलिए आएगा हैज़ द रोड हैज़ बीन रिपेयर बाय देम द रोड हैज बीन रिपेयर बाय देम नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आई हैव अ लेटर मैंने लेटर लिख लिया है ऑब्जेक्ट है अ लेटर अ लेटर हैज़ बीन सिंगुलर इसलिए हैज बीन रिटन बाय मी अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए मैरी हैज कलेक्टेड कार्ड मैरी ने कार्ड जमा नहीं किए हैं कलेक्ट नहीं किए हैं ऑब्जेक्ट है कार्ड प्लूरल हैव कार्ड्स हैव बीन कलेक्ट सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है कार्ड्स हैवंट बीन कलेक्टेड बाय मैरी नेगेटिव सेंटेंस है, है इसलिए हैव के बाद लगेगा नॉट नेक्स्ट सेंटेंस देखिए द कैट ड्रंक द मेडिसिन बिल्ली ने मेडिसिन नहीं पी है तो द मेडिसिन हैज नॉट बीन ड्रंक बाय कैट ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हैव यू द प्रेजेंट क्या आपने गिफ्ट रिसीव कर लिया है अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन इंटरगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे आपको अगर इसका पैसिव बनाना है तो आप सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द प्रेजेंट इसके हिसाब से आएगा हैज हैज द प्रेजेंट बीन रिसीव्ड बाय यू हैज द प्रेजेंट बीन रिसीव्ड बाय यू नेक्स्ट सेंटेंस हैव दे एक्सेप्टेड द इन्विटेशन क्या उन्होंने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर ली है तो हैज़ द इन्विटेशन बीन एक्सेप्टेड बाय देम हैज द इन्विटेशन बीन एक्सेप्टेड बाय दे ओके okay, यहाँ पे दो सेंटेंस मैंने आपके लिए दिए हुए हैं अवर टीम हैज द चैंपियनशिप जैक हैज एंड ब्रोकन अनदर क्लास इसकी पैसे वॉइस आपको बनानी है कमेंट बॉक्स में और आप कमेंट बॉक्स में मुझे क... इसकी पैसे वॉइस बना के दिखाइए ताकि मुझे पता चले कि आपको पैसे वॉइस कितना समझ में आया तो चलिए ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस अब बात करते हैं हम लोग पास टेंस पूर्ण भूतकाल की पैसिव वॉइस कैसे बनती है तो देख लीजिए सिंपल फॉर्मेट है हम इसका एक्टिव वॉइस बना देते हैं सब्जेक्ट हैड वी थ्री ऑब्जेक्ट एंड अदर अदरवाइज आई आई हैड कम्पलीटेड माई होमवर्क मैंने हम, मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था इसका पैसिव वॉइस भी सिमिलर तौर पे बनेगा जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है लेकिन यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट माई होमवर्क हेड बीन कंप्लीटेड बाय मी मेरा होमवर्क मेरे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया था नेगेटिव सेंटेंस भी सिमिलर ही बनेगा जैसा कि एक्टिव वॉइस में बनता था हेड नॉट आता था आई हैड नॉट आई हैड एंड कम्प्लीटेड माई होमवर्क मैंने मेरा होमवर्क कम्प्लीट नहीं किया था तो पैसिव वॉइस भी बनेगा पहले ऑब्जेक्ट फिर आएगा हैड नॉट बीन वी थ्री बाय प्लस सब्जेक्ट माई होमवर्क हैड नॉट बीन कम्प्लीटेड बाय मी मेरा होमवर्क मेरे द्वारा कम्प्लीट नहीं किया गया था नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पहले उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर आएगा सब्जेक्ट फिर वी थ्री फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड हैड यू कम्प्लीटेड योर होमवर्क क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था अब इसका अगर पैसिव वॉइस आपका बनाना है तो यहाँ पे भी हैड पहले आएगा लेकिन फिर आएगा ऑब्जेक्ट फिर आएगा बीन फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय प्लस एस हैड योर होमवर्क बीन कंप्लीटेड बाई यू क्या आपका होमवर्क आपके द्वारा कंप्लीट किया गया था तो देखिए पास्ट परफेक्ट आपको बनाना है तो यहाँ हेड लगेगा helping verb, and secondary word add होगा। okay, बाकी के जो basic rules है थर्ड फॉर्म लगती है फिर बाय फिर ऐसा आता है वो एज इट इज रहेगा आप स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल है लंच उसने लंच खा लिया था ले लिया था ओके okay. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लंच तो लंच हैड बीन टेकन बाय हिम उसके द्वारा लंच ले लिया गया था यू हैड मेड अ हाउस आपने घर बना लिया था यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अ हाउस ओके उसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैड हैड अ हाउस फिर आएगा बीन अ हाउस हैड बीन मेड बाय यू अ हाउस हैड बीन मेड बाय यू नेक्स्ट सेंटेंस आई हैड हेल्प हिम मैं उसकी मदद कर चुका था ओके okay, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही तो ही हैड बीन हेल्प बाय मी ही हैड बीन हेल्प बाय मी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए शी हैड प्लांटेड रोजेज बिफोर ही कैम्प उसने रोजेज उगा लिए थे उसके आने से पहले अब यहाँ पे जो पैसिव वॉइस बनेगा वो शी हैड प्लांटेड रोजेस का ही बनेगा बिफोर ही कैम्प एज इट इज उसकी जगह पे रहेगा अब यहां पे आप देख लीजिए यहां पे ऑब्जेक्ट है रोजेज तो रोजेज हैड बीन प्लांटेड बाय हर बिफोर ही केम ओके नेक्स्ट सेंटेंस मार्क हैडंट ईटन राइस मार्क ने चावल नहीं खा लिए थे ओके okay. अब इसका पैसे वॉइस आपको बनाना है तो राइस ऑब्जेक्ट है तो राइस हैड नॉट बीन ईटन बाय मार्क अब हेड नॉट को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं नेक्स्ट है प्रपोजल क्या उसने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था ओके okay, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्क हैड ओके प्रपोजल उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट हैड द प्रोपोजल बीन रिजेक्टेड बाय हर हैड द प्रोपोजल फिनिश कर लिया था यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहले लगेगा हैड फिर आएगा ऑब्जेक्ट द नॉवेल बीन फिनिश्ड बाय द नॉवेल बीन फिनिश्ड बाय ओके तो देख लीजिए आपने अफर सेंटेंसिस भी देख ली नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देख लिए और उम्मीद है कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे तो आइए या रहा आपका होमवर्क इन दो सेंटेंसेस का पैसे वॉइस आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ओके आइए नेक्स्ट एंड लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल का पैसे वॉइस कैसे बनाते हैं देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते तो हम बनाते थे सब्जेक्ट फिर विल हैव फिर आता था वी थ्री फिर आता था ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स आई विल हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क टुमारो टिल दिस टाइम मैं कल तक मेरा होमवर्क कम्प्लीट कर चुका हूँगा ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस अब इसकी अगर आपको वॉइस बनानी है तो सिंपल है हलवा है कुछ नहीं करना है पहले एज इट इज आप ऑब्जेक्ट पहले ले आइए फिर विल हैव तो आपको लगाना ही है फिर उसके साथ आप सिंपली बीन लगा दीजिए फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय प्लस एस बन गया सिंपल है माई होमवर्क ऑब्जेक्ट विल हैव बीन माई होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाई मी मेरा होमवर्क मेरे द्वारा कम्प्लीट किया जाएगा ओके okay, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता था सब्जेक्ट विल नॉट है लगता था विल नॉट हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर चुका हूँ अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ये भी सिंपल है आप विल नॉट ऑब्जेक्ट लगा दीजिए फिर विल नॉट हैव लगाएंगे फिर उसके बाद सिंपली आप बीन लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय एंड एस माई होमवर्क विल नॉट हैव बीन कम्प्लीटेड बाय मी मेरा होमवर्क मेरे द्वारा कंप्लीट नहीं किया जा चुका होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है ओके okay, तो सिंपल है विल पहले लगा दीजिए जैसे एक्टिव वॉइस में लगाते थे हम लोग विल फिर आएगा सब्जेक्ट फिर आएगा हैव फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्क फिर आपका प्यारा दुलारा क्वेश्चन मार्क विल यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क क्या आप आपका होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे अब इसका पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है तो ये भी सिंपल है पहले विल लगा दीजिए उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद आएगा हैव उसके बाद आएगा बीन और फिर वर्क की थर्ड फॉर्म फिर बाई एस एंड क्वेश्चन मार्क विल योर होम वर्क हैव बीन कम्प्लीटेड बाई यू विल योर होम वर्क हैव बीन कम्पलीटेड बाय स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए नेक्स्ट आने वाले एग्जांपल्स आप अच्छी तरीके से खुद ही क्लियर कर पाएंगे ओके okay, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आइए एग्जांपल्स देखते हैं सबसे पहला एग्जांपल है स्टूडेंट विल हैव लर्नड इंग्लिश बच्चे इंग्लिश पढ़ चुके होंगे अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, सिंपल है ऑब्जेक्ट है इंग्लिश तो इंग्लिश विल हैव बीन लर्न बाय स्टूडेंट्स इंग्लिश विल हैव बीन लर्ट बाय स्टूडेंट्स ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आई विल हैव प्लांटेड रोजेस मैं रोजेस उगा चुका हूंगा ओके okay. यहां पे ऑब्जेक्ट है रोजेस रोज़ेस विल हैव बीन प्लांटेड बाय मी ओके थर्ड सेंटेंस देखिए यहां पे आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा फिर उसके बाद आएगा विल हैव बीन सेंटेंसेस में और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सुजान विल हैव संग अ सॉन्ग सुजान एक सॉन्ग गा चुका होगा ओके okay, तो यहां पे भी सिंपल है ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय सुजान ओके अफर्मेटिव सेंटेंसेस ये सारे हैं आप कंप्लीटली देख सकते हैं कि अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से कंप्लीट बने हैं आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड वो खाना नहीं बना चुकी होगी ओके okay, ये भी सिंपल है बहुत आसान है ओके okay, ऑब्जेक्ट है फूड फूड गया, आ गया फूड विल नॉट हर यहाँ पे फूड लगा दिया ऑब्जेक्ट फिर आएगा विल

will she have read the novel क्या वो नॉवेल पढ़ चुकी होगी अब यहाँ पे देख लीजिए ऑब्जेक्ट तो आगे लाना है लेकिन इंट्रोगेटिव है इसलिए उससे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब will the novel have been read by her will the novel have been read by her ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखिए will it have drunk milk क्या वो दूध पी चुकी होगी किसकी बात है यहाँ पे कुत्ते या बिल्ली की बात है ओके okay. तो यहाँ पे भी पहले विल लगेगा फिर आएगा ऑब्जेक्ट विल मिल्क हैव बीन ड्रंक बाय इट विल मिल्क हैव बीन ड्रंक बाय इट तो देख लीजिए यह कंप्लीट स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंसेस बने यहां पे अब चूंकि आप समझ गए हैं मैं उम्मीद करता हूं तो दो सेंटेंस आपके लिए होमवर्क के तौर पर हैं जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएंगे इनकी पैसी वॉइस विल हैव अस हिस्ट्री शी विल हैव टॉट अस हिस्ट्री वो हमें हिस्ट्री पढ़ा चुकी होगी दे विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल ओके इन दोनों सेंटेंसेस की पैसी वॉइस आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो ये थे हमारे फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल्स तो देख लीजिए ये था हमारा टेंसिस चार्ट पैसिव वॉइस का जिसको हमने कम्प्लीटली समझ लिया है और इस चार्ट का आप स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए ताकि कंप्लीट स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आ जाएं तो चलिए हो गया कम्प्लीट नहीं नहीं कहाँ जाएंगे अभी तो बाकी है मेरे दोस्त अभी तो शुरू हुआ था अभी तो बाकी है अभी हमें पढ़ना है मैंने कहा था आपको कुछ मैं एडवांस रूल्स भी बताऊंगा, वो तो अभी देर है लेकिन अभी हम पढ़ते हैं पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स ये नाम पहले सुना हुआ होगा आपने मॉडल वर्ब्स शुड कैन मे मस्ट माइट ओके हैड बेटर ये सारे हैं मॉडल वर्ब्स अगर ये मॉडल वर्ब्स आता है तो इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये तो बहुत ही आसान है देख लीजिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है तो सब्जेक्ट पहले लगाता है फिर मॉडल वर्ब आएगा फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट जैसे आई कैन प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट खेल सकता हूं ओके अब इसकी पैसिव वॉइस अगर आपको बनानी है तो सिंपल है ऑब्जेक्ट पहले ले आइए फिर मॉडल वर्ब जो है वो रख दीजिए यहां पे फिर उसके बाद बी लगा दीजिए फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय प्लस एस क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय मी क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा सकता है ओके तो यहां पे ऑब्जेक्ट तो एज इट इज गया है मॉडल वर्ब के बाद आपको सिर्फ बी लगाना है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो एक्टिव वॉइस में हम बनाते थे आई नॉट प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगता था और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती थी लेकिन अगर इसकी पैसिव वॉइस आपको बनानी है तो ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे फिर मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगेगा फिर बी आएगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस हम बनाते थे मॉडल वर्ब पहले आता था फिर आता था सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क कैन यू प्ले क्रिकेट क्या आप क्रिकेट खेल सकते हैं अब इसका अगर पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो सिंपल है मॉडल वर्ब पहले आएगा फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट कर्म फिर आएगा बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय प्लस एस एंड क्वेश्चन मार्क कैन क्रिकेट बी प्लेड बाय यू क्या क्रिकेट आपके द्वारा खेला जा सकता है ओके okay, तो ये था मॉडल वर्ब्स का स्ट्रक्चर नहीं नहीं सिर्फ स्ट्रक्चर समझा के नहीं छोड़ूंगा एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास ओके okay, देख लीजिए अब यहां पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स जो मॉडल वर्ब्स के डायरेक्टली पैसिव वॉइस में यूज होते हैं वो बता देता हूं ही कैन बी गिवन अ चांस उसे एक मौका मिलना चाहिए ये पैसिव वॉइस है ओके यू शुड बी पनिश्ड यू शुड बी पनिश्ड ही कैन बी गिवन अ चांस उसे एक मौका दिया जा सकता है यू शुड बी पनिश्ड आपको पनिशमेंट देनी चाहिए ओके यू शुड नॉट बी अलाउड इन द क्लास आपको क्लास में परमिशन नहीं दी जानी चाहिए ओके okay, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए लेकिन ये सेंटेंसेस हैं तो ये देखिए पैसिव वॉइस के मॉडल वर्ब्स के सेंटेंसेस हैं अब कुछ और सेंटेंसेस देख लीजिए जो एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव वॉइस बनाना है आई कैन आंसर द क्वेश्चन मैं क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो ऑब्जेक्ट है द क्वेश्चन वो आगे आ जाएगा द क्वेश्चन फिर मॉडल वर्ब्स कैन फिर लगेगा बी द क्वेश्चन कैन बी आंसर की थर्ड फॉर्म आंसर्ड द क्वेश्चन फॉर्म उसे फॉर्म जरूर, जरूर भरना चाहिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द फॉर्म द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन बाय हर अब यहां पे जो फिल इन है ये फ्रेजल वर्ब है प्रेपोजिशनल वर्ब जिनको कहते हैं अब ये फिल इन अलग नहीं होगा ये एक ही साथ यूज होगा मैं आगे एडवांस रूल्स में बताऊंगा तो द फॉर्म मस्ट बी फिल्ड इन बाय हर नेक्स्ट कैन यू बाय दिस वॉच अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो इसको कैसे बनाएंगे सिंपल है कैन उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट कैन दिस वॉच बी बॉट बाय यू कैन दिस वॉच बी बॉट बाय यू ओके नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए वाई कुड ही नॉट रीड द सेंटेंस ये तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव भी है कैसे बनेगा टेंशन मत लो देखो सिंपल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है ये बेचारे शरीफ खानदान के लोग हैं ये एज इट इज वाई का वाई आएगा ओके वाई कुड ओके कुड भी कुड आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पहले आएगा वाई कुड अब ऑब्जेक्ट क्या है तो द सेंटेंस वाई कुड द सेंटेंस अब नेगेटिव है तो नॉट लगा दो वाई कुड द सेंटेंस नॉट फिर आएगा बी बी मत भूल जाना वाई कुड द सेंटेंस नॉट बी रेड बाय हिम वाई कुड द सेंटेंस नॉट बी रेड बाय हिम ओके तो ये बन गया आसानी से नेक्स्ट सेंटेंस यू ऑट टू हेल्प हर आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हर तो वो आगे आएगा तो क्या बन जाएगा शी शी ऑट टू बी हेल्प बाई यू शी ऑट टू बी हेल्प बाय यू शुडंट इन्वाइट हिम आपको उसे नहीं बुलाना चाहिए तो ऑब्जेक्ट हिम आगे आएगा तो बन जाएगा ही शुड नॉट बी इन्वाइटेड बाई यू ही शुड नॉट बी इन्वाइटेड बाई यू नेक्स्ट सेंटेंस कुड जोया लॉक द डोर क्या जोया दरवाजा खोल सकती थी ओके okay. ये भी सिंपल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कुड पहले लगेगा कुड फिर आएगा ऑब्जेक्ट कुड द डोर बी ओपनड बाय सॉरी कुड द डोर बी लॉक्ड बाय जोया कुड डोर बी लॉक्ड बाय जोया तो ये मॉडल वर्ब्स के पैसी वॉइस भी मैंने आपको सिखा दिए अब जो दो सेंटेंस है उसकी पैसी वॉइस तो आप ही को बनानी है मुझे इसलिए कि नहीं आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सिखा सकते हैं और इतना तो एहसान जरूर कर दीजिएगा तो बस हो गया नहीं नहीं अभी तो एडवांस रूल्स का जो मैंने आपको वादा किया था प्रॉमिस किया था वो यहाँ है आइए देख लीजिए एडवांस रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस तो सबसे पहले जो एडवांस रूल में फर्स्ट नंबर का रूल है वो है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब्स नेवर चेंज फ्रेजल वर्बस जो होते हैं प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं मैंने अभी एक सेंटेंस में आपको बताया था यू मस्ट फिल इन द फॉर्म में वही बात यहाँ है दे लुकड फॉर द बेबी तो यहाँ पर वर्ब जो है वो लुक्ड अकेला नहीं है लुक्ड फॉर तलाश करना जिसका मीनिंग होता है ये लुक्ड फॉर पूरा एक वर्ब है ओके okay, तो ये लुकड फॉर ये फ्रेज है उसको साथ में ही रखेंगे तो इसका पैसिव वॉइस अगर आप बनाएंगे तो आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे द बेबी वॉज लुक्ड फॉर बाय धैम द बेबी वॉज लुक्ड फॉर लेकिन बाय धैम मैंने यहां नहीं लगाया है क्यों नहीं लगाया है सबर रखिए सेकेंड सेंटेंस दे लिसन टू म्यूजिक अब लिसन टू लिसन टू का मतलब होता है सुनना यह भी एक प्रपोजिशनल फ्रेज है यह भी यहाँ लिसन और टू अलग नहीं होगा तो इसका अगर आपको पैसी वॉइस बनाना है तो आप बनाएंगे म्यूजिक इज लिस टू म्यूजिक द म्यूजिक इज लिस टू थर्ड सेंटेंस है सम वन शाउटेड एट हर कोई उसकी तरफ चिल्लाया ओके okay, तो शाउट एट ये भी फ्रेजल वर्ब है प्रपोजिशनल फ्रेज है तो ये भी अलग नहीं होगा शी वॉज शाउटेड एट शी वॉज शाउटेड एट अब यहाँ पे आपको टेंशन हो रहा होगा कि मैंने बाय क्यों नहीं लगाया ओके okay, तो ये भी मैं बता देता हूँ देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नो नीड टू डिस्क्राइब सब्जेक्ट और डूअर एवरी टाइम हर टाइम पे आपको बाय लगा के सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है अभी तक जो हमने टेंसिस में लगाए वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए थे हर जगह बाय लगा कर सब्जेक्ट बताना ज़रूरी नहीं होता है अगर सब्जेक्ट ऑब्वियस है सबको मालूम है तो मैंने जैसा कि शुरू में कहा था तो वहां आपको लगाने की जरूरत नहीं है अब यहां पे मैंने नहीं लगाए हैं अगर आप लगाना चाहे बाय लगाकर सब्जेक्ट तो लगा भी सकते हैं लेकिन हर टाइम सब्जेक्ट और डूअर को बताना जरूरी होता नहीं है क्यों जरूरी होता एग्जांपल देखिए द थीफ फॉज अरेस्टेड चोर को अरेस्ट कर लिया गया अब चोर को अरेस्ट कौन करता है क्या मैं करूँगा नहीं नहीं मेरा काम कहाँ है मैं अरेस्ट करूंगा ओके ये मेरा काम नहीं है चोर को अरेस्ट कौन करेगा अरेस्ट करती है पुलिस तो सबको मालूम है कि पुलिस ने ही अरेस्ट किया होगा इसलिए यहां पे बाय पुलिस लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि यहाँ से आपको इसकी एक्टिव वॉइस बनानी है तो जरा बना के दिखा दो द रूल्स मस्ट बी ओबेड रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए किया जाना चाहिए किसको करना चाहिए सबको करना है ओके देखिए नेक्स्ट सेंटेंस द वॉच वॉज स्टोलन द वॉच वॉज स्टोलन घड़ी चोरी हो गई किससे चोरी की होगी किसी ने की होगी चोरी होगा इसलिए यहां पे भी आपने हमने बाय लगा कर सब्जेक्ट नहीं लगाया है लेकिन अगर इन तीनों सेंटेंस का हमें एक्टिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे वहां एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट लाना ही पड़ेगा तो वहां तो आप बताएंगे जैसा कि देखिए फर्स्ट सेंटेंस का द पुलिस अरेस्टेड द थीफ सेकेंड सेंटेंस वी मस्ट ऑबे द रूल्स थर्ड सेंटेंस सम वन स्टोल द वॉच किसी ने घड़ी की चोरी कर ली ये देखो ये कॉमन से सब्जेक्ट थे इसलिए हमने इसको पैसिव वॉइस में लगाया नहीं था ओके और देख लीजिए एडवांस रूल्स में थर्ड थिंग है नो नीड टू यूज बाय एवरी टाइम अब यहाँ तक तो बात थी कि अगर सब्जेक्ट लगाना है तो हम लगाते थे बाय के साथ लगाते थे सब्जेक्ट ओके द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस ओके तो बाय जहां पे भी अगर हमें सब्जेक्ट लगाना था तो हम वहां पे लगाते थे, थे बाय लेकिन हर जगह बाय लगाना जरूरी होता नहीं है बाय की जगह क्या यूज हो सकता है तो देखिए यूज टू विथ कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ टू यूज होता है कौन से वर्ब्स हैं देख लीजिए नॉन मैरिड ऑब्लाइड ये तीन वर्ब ऐसे हैं अगर ये पैसी वॉइस इनकी पैसी वॉइस बनती है तो यहाँ पे आपको अगर सब्जेक्ट लगाना है तो बाय नहीं लगेगा टू लगेगा एग्जाम्पल देख लीजिए ही नोज मी वो मुझे जानता है ओके अब इसकी पैसी वॉइज अगर आप बाय लगा के बनाएंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा आई एम नॉन बाय हिम नहीं नहीं मैं उसके द्वारा जाना जाता हूं यह गलत है इसकी पैसी वॉइज हम बनाएंगे आई एम नॉन टू हिम मैं उसके लिए जाना हुआ इंसान हूं आई एम नॉन टू हिम आई एम मैरिड टू हिम आई एम मैरिड बाई हिम नहीं होगा आई एम मैरिड टू हिम ओके दूसरी बात यूज एट विथ कुछ ऐसे हैं जिनके साथ बाई की जगह एट लगता है जैसे कि वो वर्ब है ओके एग्जाम्पल देखिए हिस्सेवियर अनोयड मी उसके बिहेवियर ने मुझे गुस्सा दिला दिया परेशान कर दिया ओके okay. तो अगर इसकी पैसी वाइज इस हम रूल्स के हिसाब से बनाएंगे तो बनेगी आई वॉज अनॉयड बाय हिज बिहेवियर लेकिन बाय हिज बिहेवियर नहीं आएगा आई वॉज अनॉयड एट हिज बिहेवियर ओके तो यहां पर एट लगेगा थर्ड देख लीजिए यूज विथ विथ कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ बाय नहीं लगता है वहां पर विथ लगता है वह वर्ब्स कौन से हैं प्लीज डिस्कस्टेड इम्प्रेस्ड चाम ओके एग्जाम्पल देखिए हर परफॉर्मेंस अस उसके परफॉर्मेंस ने हमें इंप्रेस कर दिया इसकी पैसे इस बनाए तो बनेगी वी वर इंप्रेस्ड परफॉर्मेंस नहीं वी वर हर परफॉर्मेंस पे विथ बाय नहीं लगेगा बल्कि लगेगा विथ ओके नेक्स्ट देख लीजिए यूज इन विथ कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ इन लगता है बाय की जगह पे वो कौन से है इंटरेस्टेड consisted, absorbed, contained. Example देख लिए This topic might interest the students. ये topic शायद students को अच्छा लग सकता है Okay, अब इसकी पैसी वाइज बनाएंगे तो the students might be interested by this topic नहीं in this topic यहाँ पर लगेगा in the students might be interested in this topic. तो ये थे कुछ एडवांस रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कंप्लीट सिलेबस जिनमें मैंने आपको बेसिक रूल्स भी बता दिए टेंसेस की पैसी वॉइस भी सिखा दी और साथ ही साथ मॉडल वर्ब्स की पैसिव वॉइस भी आप पढ़ चुके हैं और एडवांस रूल्स भी बता दिए मैं यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट ख़त्म होता है और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट देखा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आप पैसे वॉइस कंप्लीट समझ गए होंगे और इतना समझ गए होंगे कि आप अब किसी को पढ़ा सकते हैं और अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें लाइक भी करें और हाँ एक चीज़ बिल्कुल ना भूलिएगा ये वक्त कोविड नाइन्टीन के स्प्रेड का है इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टे होम स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच watching thank you so much for listening to me and have a good day ever thank you